गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक घरेलू इम्पोर्टेंट नुस्खा के बारे में जो कि सभी के लिए लाभप्रद होगा। नुस्खा है सर्दी जुकाम खांसी का। यदि आपको कंटिन्यू कई दिनों से सर्दी जुकाम या खांसी है तो उसके लिए आप इस घरेलू नुस्खे को अपना सकते हैं। घरेलू नुस्खा है भुने हुए चनों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। भुने हुए चने को आप लेकर के कम से कम दिन में 3 या 4 बार खाएंगे और शर्त ये रहेगी कि खाने के बाद में आपको पानी नहीं पीना है। यदि आप पानी पी लेते हैं खाने के बाद तो ये नुस्खा इतना कारगर नहीं होगा। यदि आप उन भुने हुए चने खाने के बाद यदि आप पानी नहीं पियेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सर्दी जुकाम और खांसी में जरूर लाभ मिलेगा। इस नुस्खे को आप अपना करके अपनी पुरानी से पुरानी खांसी, इसके अलावा आप अपने पुराने से पुराने जुकाम सर्दी को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सर्दी बैठी हुई है, पुरानी सर्दी है, तो वो उसके बलगम आता रहता है, तो वो व्यक्ति जरूर इस नुस्खे को अपनाए और कम से कम 1 महीना इन चने को आप दिन में 3 बार खाएं और शर्त यही रहेगी कि पानी ना पिएं। तो जो भी आपकी पुरानी से पुरानी सर्दी बैठी हुई है, आपका बीच बीच में बलगम आता रहता है, इस प्रकार की सर्दी यदि आपको पुरानी बैठी हुई है तो आप इन भुने हुए चने को यूज करके आप उस सर्दी से निजात पा सकते हैं और आप आसानी से अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभप्रद नुस्खा है। आप जरूर इसको अप्लाई करें और अपने सर्दी जुकाम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। भुने हुए चने हैं, वो सभी जगह मिल जाते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि चना आपको खाना चाहिए, प्रतिदिन खाना चाहिए, भुना हुआ हो या फिर आप कच्चे चने को आप उबाल करके या भिगो करके भी आप खा सकते हैं। चना खाना बहुत अच्छी बात है। सुबह को या दोपहर को चना जरूर खाना चाहिए। अपनी डाइट में चने को जरूर रखना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो इस प्रकार से आप अपनी पुराने से पुराने जुकाम या सर्दी को आप आसानी से इस घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।